हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कैलाश और आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है, यानी कि दो लोग अगर ज्वाइंट खाता खुलाएं तो इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा, उसकी फुल इंफॉर्मेशन आपको हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। तो उसके लिए आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, अगर आपके पैन कार्ड नहीं है तो भी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और 3 फोटो, इतना चीज आपको लेकर जाना है और आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और इसमें मेंटेनेंस चार्ज कितना आपका जमा रहेगा परमानेंट, तो ये 1000 रुपये पे आपका अकाउंट ओपन होता है, क्योंकि 0 पे भी आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर बैंक वाले 0 अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। मिनिमम बैलेंस आपका 1000 रुपये आपके अकाउंट में परमानेंट पड़ा रहना चाहिए अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक दो लोगों का ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा। A to Z पूरी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है, किसी से पूछने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। तो ज्वाइंट खाता खोलने का फॉर्म कैसे भरा जाता है, फुल इन्फॉर्मेशन हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लिया, तो आपको किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज का जो फॉर्म है उसको हमने स्कैन कर लिया है, और अब यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है निवासी या व्यक्तिगत एकल संयुक्त खाते के लिए। तो हम क्या करेंगे, संयुक्त पे ओके कर देंगे, क्योंकि हम दो लोगों का खाता ज्वाइंट खाता खोल रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे खाता खोलने का फॉर्म, तो SAFCAFDRDODOCC, तो हम क्या करेंगे SASF पर हम टिक कर देंगे, ओके कर देंगे, क्योंकि सामान्य बचत अकाउंट हमारा ओपन करवाना है ज्वाइंट खाता। तो उसके बाद में अब यहाँ पे आएंगे तो आपको शाखा पूछा जा रहा है। तो अब जिस ब्रांच में आप खाता खुलवा रहे हैं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, तो आपका कौन सा ब्रांच लगता है वो ब्रांच आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पे सोल आईडी पूछी जा रही है, तो आपको अगर मालूम है तो उस बैंक का आपको लिख देना है। आगे का 4 अंक होता है जो अकाउंट नंबर का होता है, जैसे यहाँ पे है 9084, तो अगर मालूम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वरना इसको छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं बचत निधि खाता, तो विद्यार्थी सैलरी, टोटल फ्रीडम सैलरी, मित्र, शिक्षक, रक्षक, पेंशन, अन्य, तो हम क्या करेंगे अन्य पर ओके कर देंगे, यहाँ पे टिक लगा देंगे। उसके बाद में अब यहाँ पे खाते की प्रकृति पूछी जा रही है, सामान्य, स्टाफ पेंशन, वरिष्ठ नागरिक, मित्र, वेतन, अन्य दर्शाएं, मतलब अन्य दर्शाएं क्या आप करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे सामान्य पर ओके कर देंगे, क्योंकि हमारा जो अकाउंट है सामान्य है, यानी बचत खाता। उसके बाद में पूरा नाम बड़े अक्षरों में लिखें, तो यहाँ पे प्रथम आवेदक का नाम यहाँ पे लिख देना है, हम लिख दें यहाँ पे कैलाश। उसके बाद में दूसरे आवेदक का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है सुनील। तो पूरा नाम आपको लिखना है, जो भी आपका नाम हो पूरा नाम, दो लोगों का नाम, यानी फर्स्ट का सेकंड का। उसके बाद में नीचे यहाँ पे आएंगे तो आपको फर्स्ट आवेदक का फोटो चिपकाना है, उसके बाद में द्वितीय आवेदक का फोटो यहाँ पे आपको चिपकाना है। उसके बाद में अब यहाँ पे आपको क्या करना है, खाता नंबर तो आपको मालूम ही नहीं है, आप खाता खुलवा रहे हैं, आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद में ग्राहक पहचान संख्या आप आधार नंबर अपने यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में मोबाइल नंबर आपको अपना यहाँ पे डाल देना फर्स्ट आवेदक का। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना एक साइन कर देना है, यहाँ पे नामुना हस्ताक्षर अंगूठे का निशान प्रथम आवेदक का, तो आपको फर्स्ट आवेदक का आपको यहाँ पे साइन करना है। उसके बाद में द्वितीय आवेदक का आ जाना है यहाँ पे, तो आधार नंबर, ग्राहक पहचान संख्या, आधार नंबर ही आपको डालना है, यहाँ पे भी डालना है, यहाँ पे भी डालना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, एक यहाँ पे आपको साइन कर देना है यहाँ पे। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे के साइड में यहाँ पे नीचे आपको आना है, तो आपको अब नीचे यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे क्या करना है, दोनों लोगों को साइन कर देना है, एक का यहाँ पे कर देना है, एक का यहाँ पे आपको साइन कर देना है। तो जो ये फर्स्ट आपका फॉर्म है, ये फर्स्ट पेज फॉर्म आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, वो भी ज्वाइंट खाता खोलने का। तो अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 2 पे, तो उसके बाद इसको हम यहाँ से इसको काट देते हैं, और फॉर्म नंबर 2 है जिसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं।
तो फॉर्म नंबर 2 हमारा जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो इसको थोड़ा जूम करते हैं यहाँ पे ताकि आपको सही से दिख सके। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसे हम। तो अब यहाँ पे परिचालक का तरीका जो लागू हो उसको चिन्ह करें। तो अब यहाँ पे स्वयं का ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो दोनों में से कोई एक अथवा उत्तर जीवी यहाँ पे ऑप्शन आता है, यानी पैसा कौन निकालेगा, सबसे मेन पॉइंट ये आता है। जैसे दो लोगों का ज्वाइंट अकाउंट जब आप ओपन कराते हो तो पैसा कौन निकालेगा भाई, इसका सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आप जहाँ पे आपको टिक कर देना है, यहाँ पे टिक करने के बाद में अब चाहे दोनों लोगों में से कोई भी आकर पैसा आपके अकाउंट से निकाल सकता है। अगर आप एक आदमी निकालना चाहते हैं तो पूर्ववर्ती अथवा उत्तर जीवी यहाँ पे आपको ओके कर देना है, लेकिन यहाँ पे दोनों पे आपको ओके कर देना है, टिक लगा देंगे तो ज्वाइंट अकाउंट जो आप ओपन कराएंगे तो उस दोनों में कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ पे पैसा निकाल सकता है, चाहे वो अकेले आए चाहे दो लोग साथ में आके अभी आप निकाल सकते हैं, कोई भी आके पैसा निकाल सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टिक कर देना है। उसके बाद में नीचे आएंगे तो आपको फर्स्ट आवेदक का पूरा नाम यानी कि पूरा एड्रेस लिखना है यहाँ पे पिन कोड के साथ में। उसके बाद में यहाँ पे द्वितीय आवेदक का यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो द्वितीय आवेदक का आपको पूरा नाम यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखना है, फिलअप करना है। उसके बाद में आवासीय पता अस्थाई पता से अलग होने पर भरें। तो अगर आपका कोई अस्थाई पता है तो आपको यहाँ पे आपको डाल देना है उपरोक्त पता, अगर कोई है तो नहीं है तो आपको यहाँ पे उपरोक्त लिख देना है कि जो ऊपर हमारा एड्रेस पता लिखा गया है वही पता हमारा है उपरोक्त में, यानी सेम है, तो इसको यहाँ पे आपको डाल देना, उपरोक्त लिख देना है, उसके बाद में कुछ नहीं करना है। नीचे आएंगे तो पत्राचार करें जो लागू हो उसको चिन्ह करें। तो क्या करेंगे, अस्थाई पता, क्योंकि आप अस्थाई पता है इसलिए आपको अस्थाई पे ओके कर देना है। अगर आपका आवासीय है तो आवासीय करना है पता, अगर कार्यालय का पता है तो आपको कार्यालय करना है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है तो आप मांगा जा रहा है जन्म तिथि, तो फर्स्ट आवेदक का आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, सेकेंड आवेदक का आपको यहाँ पे डालना है डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में शैक्षिक योग्यता पूछी जा रही है तो आपको अन्य पे ओके कर देना है, दूसरे आवेदक का भी आपको अन्य पर ओके कर देना है। राष्ट्रीयता पूछी जा रही है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट का भारतीय, द्वितीय का भारतीय, जो भी आपका राष्ट्रीयता हो। उसके बाद में श्रेणी पूछी जा रहा है सामान्य ओबीसी, तो हम क्या करेंगे सामान्य पर ओके कर देंगे क्योंकि हमारा जो ये है सामान्य है। उसके बाद में जो भी आपका आता है ओबीसी एससी एससी अल्पसंख्यक आप उस पर ओके कर सकते हैं। तो फर्स्ट आवेदक का हम सामान्य पर करेंगे, दूसरे आवेदक का सामान्य पर करेंगे। उसके बाद में आप पूछा जा रहा है धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो आपका धर्म क्या है जो आपको उसको ओके कर देना है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया है, हिंदू पर ओके किया है, टिक लगा दिया है फर्स्ट आवेदक का दूसरे आवेदक का। अब उसके बाद में यहाँ पे पेन नंबर मांगा जा रहा है, अगर आपके पास पेन नंबर है तो आप यहाँ पे फर्स्ट आवेदक का पेन नंबर डालेंगे, उसके बाद में दूसरे आवेदक का यहाँ पे पेन नंबर आप डालेंगे अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। व्यवसाय की प्राकृतिक पूछी जा रही है, वेतन भोगी स्वनियोजित व्यवसाय, तो आपका जो भी हो आप उस पर ओके कर सकते हैं, नहीं तो आपको अन्य पे लगा देना सबसे अच्छा रहेगा यार, अन्य पे लगाओ, अन्य पे आपको ओके कर देना है फर्स्ट आवेदक का। उसके बाद में दूसरे आवेदक का भी आपको अन्य पर ओके कर देना है। वार्षिक आय पूछी जा रही है, तो आपका जो वार्षिक आय हो 60,000 या 60,000 से 1,00,000, तो उस पर आपको ओके करना है फर्स्ट आवेदक का, उसके बाद में दूसरे आवेदक का यहाँ पे। उसके बाद में वार्षिक टर्नओवर कारोबार से प्रति लाख जो आपका टर्नओवर हो आप लिख सकते हैं ना, इसको फर्स्ट आवेदक में भी काट सकते हैं, सेकंड में भी आप इसको काट सकते हैं। उसके बाद में पिता अभिभावक का नाम, तो यहाँ पे पिता या पति का नाम फर्स्ट आवेदक का पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद में दूसरे आवेदक का पिता या पति का नाम यहाँ पे फर्स्ट पे पड़ेगा। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति पूछी जा रही है, तो आपके पति पत्नी का जो भी आपको नाम है यहाँ पे आपको डालना है फर्स्ट आवेदक का, उसके बाद में दूसरे आवेदक का। उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट आवेदक का साइन करना है, उसके बाद में दूसरे आवेदक का साइन यहाँ पे कर देना है आपको, तो यहाँ पे फर्स्ट और दूसरे आवेदक का आप यहाँ पे साइन करना है आपको। तो अब जो पेज नंबर 2 का आपका फॉर्म है ये पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया है, तो अब हम चलते हैं पेज नंबर 3 पे। तो अब यहाँ पे हम 3 नंबर फॉर्म पे आ गए हैं, तो 8 नंबर में पूछा जा रहा है अपने ग्राहक को जानिए केवाईसी से संबंधित प्रलेख पे। तो केवाईसी दस्तावेज जमा किए गए हैं, यानी क्या आप दे रहे हैं बैंक में खाता खुलवाने के लिए, तो दस्तावेज की प्रकृति आपको क्या करना है, आप आधार कार्ड लिख देना है। उसके बाद में जारीकर्ता प्राधिकारी, तो क्या करेंगे भारत सरकार, तो आपको यहाँ पे भारत सरकार लिख देना है। उसके बाद में द्वितीय आवेदक का, यहाँ पे द्वितीय आवेदक आवेदक कर पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ आधार कार्ड, जो भी आपके आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस,
जिससे भी आप खाता ओपन करा रहे हैं आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे आधार कार्ड और यहाँ पे आपको लिख देना है भारतीय। तो अब आधार कार्ड लिख दिया हमने, यहाँ पे भारतीय कर दिया। उसके बाद में नीचे यहाँ पे आएंगे तो अब हमसे पूछा मांगा जा रहा है पासबुक, आप बैंक से क्या क्या लेना चाहते हैं, पासबुक स्टेटमेंट, तो आपको जो भी चाहिए तो पासबुक पे हमने ओके कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे आपको चेकबुक चाहिए तो उस पर ओके कर देते हैं। मोबाइल नंबर से SMS अलर्ट पे आपको ओके करना है जो आपको चाहिए। ATM डेबिट कार्ड, व्यक्तिगत ATM कार्ड जो भी आपको चाहिए इस पर आपको ओके करना है। इंटरनेट बैंकिंग जो अब चालू हो गई है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के, बहुत जल्द चालू होने वाली है, तो अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो उस पर भी आप ओके कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग सेवाएं पे अभी आप ओके कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और लॉकर सुविधा तो इसमें है नहीं है। मोटरसाइकिल बीमा, मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी इस पर आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको इसको काट देना है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब भी आपको ये सारी डिटेल जो आपको ऊपर हमने दिखाया है ये चीज़ अगर आपको चाहिए बैंक से तो आपको अलग से फार्म भरा जाएगा तभी आपको दिया जाता है, लेकिन आप इस पर आप ओके कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे भाई, 3 नंबर जो फार्म है ये हमारी पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नीचे आपको आना है, फर्स्ट आवेदक का साइन करना है, उसके बाद में दूसरे आवेदक का आपको यहाँ पे साइन करना है। तो ये 3 नंबर फॉर्म जो हमारा है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं 4 नंबर फॉर्म पे, यानी कि 4 नंबर पेज पे। तो पेज नंबर 4 हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है परिचय, यानी आप जो ज्वाइंट खाता आप ओपन करा रहे हैं उसको आपको परिचय कराना है। जिस बैंक में आप खाता ओपन करा रहे हैं उस बैंक में अगर किसी व्यक्ति का खाता है तो वो व्यक्ति आपको प्रमाणित करेगा कि हम इनको पिछले कितने वर्षों से जानते हैं। तो जिस बैंक में आप खाता ओपन करा रहे हैं उस बैंक में अगर किसी व्यक्ति का यानी अकाउंट है तो वही आपको यहाँ पे परिचय दे सकता है। तो आपको ये भी इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूछा रहा है, मैं प्रथम आवेदक को पिछले 5 वर्षों महीनों से जानती हूँ और मैं उसके व्यवसाय एवं उल्लेखित पते की पुष्टिकर्ता करती हूँ। तो जो व्यक्ति परिचय दे रहा है, परिचय का नाम आपको यहाँ पे डालना है, परिचय का मोबाइल नंबर, परिचय का खाता संख्या नंबर और परिचय की पहचान संख्या। पहचान संख्या होती है 1D नंबर का ID होता है जो पासबुक में होता है, अगर उस व्यक्ति के पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आएंगे तो परिचय का हस्ताक्षर यहाँ पे आपको किया जाएगा। उसके बाद में नीचे आएंगे तो नामनी का ऑप्शन पूछा जा रहा है। अगर दोनों लोग सहमत हैं, जो व्यक्ति अकाउंट ओपन करा रहे हैं अगर दोनों लोग सहमत हैं तभी यहाँ पे नामनी किया जाएगा। तो नामनी का नाम आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद में उस नामनी का पूरा पता आपको डालना है, जमाकर्ता के साथ संबंध आदि कोई हो तो आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद में उस नामनी का आयु यहाँ पे आपको डालना है, अगर नामनी आवश्यक हो उसकी जन्म तिथि तो आपको डेट ऑफ बर्थ उस व्यक्ति का आपको यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद में नीचे आपको आना है तो आपको एक साइन फर्स्ट आवेदक का आपको यहाँ पे करना है, उसके बाद दूसरे आवेदक का जो साइन है आपको यहाँ पे करवाना है और उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पे आना है तो सत्यापन आपको खुद करना है। तो मैं कैलाश सुनील, तो आपको दोनों आवेदक का नाम लिखना है, फर्स्ट आवेदक का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद में सेकेंड आवेदक का नाम आपको यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम फर्स्ट और सेकंड नाम दोनों लोगों का नाम यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना दिनांक डालना है, जिस डेट को आप अकाउंट ओपन करा रहे हैं उसी डेट आपको यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो फिर आपको वही डेट आपको डाल देना। स्थान आपसे पूछा जा रहा है तो आप अपने गाँव कस्बे का नाम डाल सकते हैं, नहीं तो जहाँ पे आप अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो उस ब्रांच का भी नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद में नीचे यहाँ पे दोनों व्यक्ति का यहाँ पे एक सिग्नेचर होगा और यहाँ पे दूसरे आवेदक का सिग्नेचर होगा, तो फर्स्ट और दूसरे आवेदक का सिग्नेचर आपको यहाँ पे दोनों को करना है। नीचे आना, फिर फर्स्ट और दूसरे आवेदक का आपको सिग्नेचर यहाँ पे करना है। तो जो 4 नंबर फॉर्म चार नंबर जो फॉर्म हमारा यह है ये कंप्लीट हो गया है। 4 नंबर पेज कहते हैं, तो 4 नंबर पेज जो हमारा है कंप्लीट होगा। अब हम चलते हैं 5 नंबर पेज पे। यहाँ पे हम आ गए हैं पेज नंबर 5 पे। तो नियम एवं शर्तें को घोषणा, तो हम घोषणा करता हूँ करते हैं कि मैं अपने किसी अन्य बैंकों से क्रेडिट कार्ड सुविधा नहीं ली है। तो अगर ली है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, नहीं ली है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपको द्वितीय आवेदक का फिर यही पूछा जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको आना है तो आपको अपना दिनांक डाल देना है, जिस दिनांक को आप अकाउंट ओपन करा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे स्थान डाल देना है, जो आपका स्थान लगता है गांव कस्बा वो डालना है, नहीं तो ब्रांच का नाम भी यहाँ डाल सकते हैं जिस ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करा रहे हैं। उसके बाद में नीचे यहाँ पे आएंगे तो आपको जमाकर्ता का हस्ताक्षर,
तो फर्स्ट आवेदक का आपको हस्ताक्षर यहाँ पे करना है, द्वितीय आवेदक का हस्ताक्षर आपको यहाँ पे करना है, उसके बाद में बस आपको नीचे आ जाना, इंस्टॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट आवेदक और द्वितीय आवेदक का आपको साइन करना है। तो आपका जो पांच नंबर फॉर्म है ये पूरी तरह से, यानी पांच नंबर पेज, यार बार बार भूल जाते हैं, पांच नंबर पेज जो आपका है ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं सिक्स नंबर पेज पे। तो भाई वो सिक्स नंबर पेज पे यानी कि छह नंबर पेज पे हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमें क्या करना है, नीचे आपको फिर यहाँ पे आपको स्थान और दिनांक डालना है। स्थान आपको डाल देना है, आपका जो शाखा लगता है बैंक का वही आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्थान, यहाँ पे दिनांक डाल देना है, उसके बाद में जमाकर्ता के हस्ताक्षर अंगूठों के निशान। तो फर्स्ट आवेदक और द्वितीय आवेदक का यहाँ पे दोनों का साइन आपको यहाँ पे करना है, उसके बाद नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट आवेदक और द्वितीय आवेदक का यहाँ पे आपको साइन करवाना है। बस इस सिक्स नंबर फॉर्म में कुछ नहीं करना है। अब हम चलते हैं सेवन नंबर पेज पे। तो अब यहाँ पे हम आ गए हैं सात नंबर पेज पे। तो आपको फर्स्ट आवेदक का और द्वितीय आवेदक का यहाँ पे आपको साइन करना है, बाकी इस फॉर्म को आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका जो फॉर्म है ये आपका पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम बात करते हैं, आता है सिग्नेचर स्लिप, जिसपे आपको दोनों व्यक्ति का आपको यहाँ पे फोटो चिपकाना है और साइन करना है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ये फॉर्म जो आपका है ज्वाइंट खाता खोलने का फॉर्म पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आ जाते हैं सिग्नेचर स्लिप। सिग्नेचर स्लिप क्या है, यहाँ पे हमने बैंक द्वारा जो मिला था फोटो कहाँ पे मिला था उसको हमने अपने कंप्यूटर में स्कैन किया, लेकिन ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मांगा जाएगा हस्ताक्षर। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट आवेदक और द्वितीय आवेदक का आपको हस्ताक्षर कराना है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है, फर्स्ट आवेदक का नाम सुनील है तो दूसरे आवेदक का नाम कैलाश। उसके बाद में जहाँ पे प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, तो शाखा जो आपका लगता है जहाँ पे आप अकाउंट ओपन करा रहे हैं उस शाखा आपको को नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद में यहाँ पे दिनांक डालना है और यहाँ पे फर्स्ट आवेदक और द्वितीय आवेदक का आपको फोटो ऐसा ही चिपका देना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चिपकाया नहीं गया है, कंप्यूटर द्वारा हमने लगा दिया है भैया, चिपकाया नहीं है। तो आपको इसे चिपकाना है, सेम इसी प्रकार आपको चिपका देना है। उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट आवेदक का साइन होगा, यहाँ पे फर्स्ट आवेदक का, यहाँ पे एक साइन होगा फर्स्ट आवेदक का, उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट आवेदक का दूसरा साइन होगा, उसके बाद में द्वितीय आवेदक का एक साइन यहाँ पे होगा, उसके बाद में द्वितीय आवेदक का एक साइन यहाँ पे होगा। उसके बाद में नीचे आपको इस साइड पे यहाँ पे फर्स्ट आवेदक का पूरा एड्रेस नाम पता लिखना है, उसके बाद में नीचे आपको द्वितीय आवेदक का नाम पता और पूरा डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो आपका जो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना का जो फॉर्म है ये पूरी तरह से भैया कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं, इसमें एक आपको फॉर्म दिया जाएगा जो आप रुपए जमा करते हैं। भाई कुछ तो पैसा आप जमा करेंगे, अकाउंट ओपन करा रहे हैं ना, तो उस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा, उसका जो वीडियो का लिंक है आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक खाता यानी कि पैसा निकालने और जमा करने का वाउचर कैसे फिलअप किया जाता है, उसका पूरा वीडियो आपको नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का खाता खोलने का फॉर्म, ज्वाइंट खाता खोलने का फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। तो आई होप की जानकारी आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।